तो हे गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एकदम आइस बॉल जैसा क्यूट क्यूट पोमरेनियन पपीज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये काजू का पपी है और सारे कितने ब्यूटीफुल हैं ये देखिए। अभी तो 26-27 डेज का ही हुआ है ओनली, और ऐसा दिख रहा है। जब ये 40 डेज का होगा तो आप देखिएगा कितना मज़ेदार दिखता है। दोस्तों, इतना छोटा होने के बावजूद भी आप देखिए कितना एक्टिव है, कितना मस्त सा लग रहा है। अब ये आपके घर में जाएंगे तो एब्सोल्युटली आपके सारे मेंबर्स को खुश रखेंगे, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा इसके साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पोमरेनियन पपी का प्योरिटी कैसे चेक करें कि 100% ओरिजिनल है कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ जो आपको चारों पपीज दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको एकदम आइस बॉल जैसा दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि कैमरे पे आपको उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा हो, बट ये रियली में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपको कैसे पता करना है ये देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका टेल बहुत ही छोटा होता है। जो इंडियन स्पिट जो होता है, इसका टेल काफ़ी छोटा होता है, देखिए एकदम, और एकदम मुरा हुआ रहता है। देखिए, जैसे आप टेढ़ी उंगली करके घी निकालते हो, उस तरीके से इसका जो पूछ है उसी तरीके से टेढ़ा रहता है। देखिए किस तरीके से टेढ़ा है, सभी का टेढ़ा है। और दोस्तों, इसका जो पूछ है वो बाल होने के बाद देखिए किस तरीके से एकदम मोटा मोटा है, एकदम पतला नहीं है, उंगली की तरह नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बॉडी पर देखना है कि ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ऐसा कुछ तो नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ है ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट, तो उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि देखिए ओरिजिनल जो ब्रीड है उसमें भी ब्लैक स्पॉट हो सकता है, ब्राउन स्पॉट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लैक या ब्राउन स्पॉट आपको दिखाई पड़ा, तो आप लोग ये देख लीजिए कि उसका जो हेयर है वो बड़ा बड़ा हेयर है कि नहीं। क्योंकि जैसे कि आप देखिए कि इसका हेयर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो देखिए कितना बड़ा बड़ा हेयर है। अगर आप लोग देखोगे तो देखिए किस तरीके से मैं अपना उंगली डाल रहा हूँ, तो कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर बाल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप लोग देसी डॉग लोगे या फिर अगर क्रॉस ब्रीड का लोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा बाल आपको दिखाई पड़ेगा ही। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना, माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल है। और हाथ में आने के बाद तो एकदम शांत सा हो जाता है। देखिए इसको, इसको देखिए, ये स्वीटी बाबू को देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए छोटू सा राहुल को, ये राहुल है। देखिए दोस्तों, इसको भी देखिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो कहीं भी कोई भी स्पॉट नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो टेल है वो भी एकदम देखिए, एकदम रुई जैसा कैसा खिला हुआ है, एकदम मस्त है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका कान आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का होना चाहिए कान। इस एज में तो ऐसा कान होता है, वो देख लीजिए। और इसका फेस देखिए, फेस आप देखोगे तो देखिए किस तरीके का आपको फेस, कितना चमकीला, कितना मतलब कि एक्टिव टाइप में दिख रहा है। इसका भी फेस देखिए, मैं दूसरे का फेस आपको दिखा देता हूँ। इसका भी फेस काफ़ी मस्त है। और इसका फेस देखिए, इसका भी फेस कितना ब्यूटीफुल सा फेस है, बहुत ही मस्त सा फेस है। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर वो क्रॉस ब्रीड का डॉग है तो कुछ ना कुछ बॉडी लेंथ में, और अगर आप उसको ऐसे करके पकड़ोगे तो वो हार्ड सा दिखेगा, ये बहुत ही बड़ी खासियत है। अगर आप लोग ओरिजिनल पॉम को छुओगे तो वो आपको थोड़ा सा कमज़ोर टाइप में, या फिर मतलब थोड़ा सा एकदम मुलायम टाइप का, सॉफ्ट सॉफ्ट तकिया टाइप में लगेगा आपको। बट अगर वो क्रॉस ब्रीड है या फिर देसी डॉग से हो, तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का दिखेगा। और फेस पर देखिए, फेस पर जो हेयर है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लहासा एप्स जो या सिद्धू जैसा हेयर अगर निकला हुआ है तो वो बाद में चल करके ख़राब भी दिख सकता है। तो हेयर एकदम ऐसा चिपका हुआ होना चाहिए, फेस पे ज़्यादा बाल नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बाल आ गया तो आप लोग समझिए कि वो सितजू या लहासा एप्सो ऐसे ब्रीड से क्रॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए इसका फेस, इसकी उच्च पपी का फेस देखिए, आपको ज़्यादा बाल नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। और अभी ये सेरेलैक खा रहे हैं तो उसके वजह से थोड़ा सा मुँह गंदा है, बट ये भी मुँह साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी क्यूट क्यूट से पपीज़ हैं, और मैं इसका आपको लोकेशन भी बता दे रहा हूँ कि ये पपीज़ कहाँ पर हैं। दोस्तों, ये बिहार में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब कि पटना के आसपास हो या मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, ऐसे जगह के लोग अगर देखना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं। एकदम क्यूट क्यूट सा पपीज़ है।
काफ़ी मस्त, काफ़ी प्यारे पपीज़ हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि प्योरिटी भी बता दूँ और आपको छोटे पपीज से भी मिलवा दूँ। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।